कोट विधानसभा के सुदूरवर्ती क्षेत्र बिचला दानपुर के अंदर 4 मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए हैं और जिनका मौके पर ही जाके मैंने स्वयं भी और मेरे साथ ब्लॉक प्रमुख कोट गोविंद दानू जी भी थे और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख और वहाँ के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे राम सिंह कोरंगा जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष हरीश कोरंगा जी और हमारे कैप्टन गणेश सुरकाली जी और तमाम बहुत सारे लोगों ने क्षेत्र का भ्रमण किया और दर्जनों हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक, ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन, तहसीलदार, कानून को पटवारी और पूर्व में जितने भी जनप्रतिनिधि रहे सभी लोगों ने क्षेत्र का भ्रमण किया है। रेड क्रॉस ने भी वहां पर सहयोग किया है और हमने तत्काल जो राहत चेक के माध्यम से दिया है, उमेश सिंह, सोन ऑफ केदार सिंह 1,91,500 रुपये का चेक उनको दिया, शेर सिंह, सन ऑफ खीम सिंह 1,30,000 रुपये का चेक उनको भी दिया और पार्वती देवी, वाइफ ऑफ रतन सिंह 1,30,000 रुपये का चेक और ये पूर्ण रूप से जो मकान क्षतिग्रस्त हुए थे उन लोगों की राहत जो चेक है वो तुरंत देने का काम किया है और कुंदन सिंह, केदार सिंह 5,000 रुपये का चेक जहां मलवा आ रखा है और हमारे साथ प्रधान बड़ी प्रणाली पार्वती देवी भी थी, क्षेत्र पंचायत भोपाल सिंह, प्रताप सिंह कोरंगा, मोहन सिंह कोरंगा, बहुत दर्जनों के तादाद में 50, 60, 70, 80 लोग हम मौके पर जाकर SDRF और प्रशासन के सभी लोग वहां पर उपस्थित थे और DGBR के लोग जो वहां तैनात थे तो सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से इस राहत बचाव में अपनी भागीदारी निभाई है और इसी तरह से मैं चाहूँगा कि जिन जिन जगहों पर ये आपदा का कालखंड है, आपदाएं आई हैं, वहाँ के ग्रामीण सभी लोग अगर मिलजुल कर अगर हम सहयोग करेंगे तो ज़रूर वो कष्ट दूर होगा। क्योंकि सभी राजनीतिक दलों से भी मेरा आग्रह है कि सभी लोगों को इस आपदा की घड़ी में राजनीति न कर कर मानव के प्राण बचाने के साथ साथ मानव जो समाज है उसको पुनर्निर्मित करने में अपना संपूर्ण योगदान सुनिश्चित करें, क्योंकि हम सभी लोग मिलजुल कर इस कपकोट को सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर अगर ठीक तरीके से अगर हम समाज के निर्माण में अगर हिस्सेदारी करेंगे तो हमारा समाज बहुत सुंदर होगा और कष्ट भी दूर होंगे और हौसला भी बढ़ेगा और एक दूसरे का मान सम्मान भी बने रहेगा। तो इसी के साथ मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपदा के इस कालखंड में सब लोगों को एक मंच पर आकर इस आपदा के कालखंड से निपटने के लिए भगवान हमको शक्ति दे और सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करने के साथ आगे बढ़ेंगे और जहां कठिनाई होगी उस कठिनाई को दूर करने के लिए सब लोग एक दूसरे का सहयोग जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश सिंह, स्वर्गीय सपुत्र श्री केदार सिंह, ग्राम बड़ी पन्याली थाना। सर, रात के 12 बजे जब मकान के पीछे से हल्की सी बड़बड़ाहट की आवाज़ आई तो मैं घर से बाहर निकला, जब देखा कि वहाँ से कुछ स्लाइडिंग हो रही है, दोनों मियाँ बीबी वहाँ नाला काटने के लिए गए, लेकिन उसके बाद ऊपर से चट्टान और भारी खिसकने लगा। दोनों हम मियाँ बीबी भागकर दूसरे भाई के पार्टनर तक पहुँचे, तब तक सारा मेरा ध्वस्त हो गया था सर। यहाँ संभलने का मौका नहीं मिल पाया मुझे, कृपया प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मुझे राहत दी जाए। धन्यवाद सर। हाँ जी, शाम को कम 12 बजे का टाइम था, मेरे मकान के सामने पार जंगल है, उसमें एक बड़ा चट्टान खिसका रात को 12 बजे के करीब। उसके बाद मैं बिस्तर से उठ के जागे रहा, कम से कम 2 घंटे जागा। 2 घंटा जागने के बाद मकान के पीछे कुछ हल्की सी आहट आई, स्लाइड हुआ वहाँ पर। फिर हम दोनों मियाँ बीवी उठकर वहाँ देखने गए, देखने के बाद नाला काटने लगे तो और ऊपर से चट्टान नीचे खिसकने लगी। उसके बाद भाग के प्रांगण के आगे से भाई के मकान के आगे गए तो तब तक पूरी स्लाइडिंग आ गई सर। एक गाय थी, एक बछड़ा था, वो दब गया, मकान पूरे ध्वस्त हो गया। एक नया मकान शुरू किया था वो भी ख़त्म हो गया, सामान और पूरा सामान दफन हो गया नाम। और एक गौशाला थी वो भी ख़त्म हो गया। और मैं उमेश सिंह सपुत्र श्री केदार सिंह बड़ी पन्याली से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, और उसके बाद जरा मैं घूम के आया और देखा कि मेरा तो सारा सामान ध्वस्त हो गया सर, न पहनने को कपड़े रहे, न मकान रहा, न खाने का सामान रहा, न बर्तन रहे, न ही
जेवर पानी जो भी खट्टा पैसा था वो भी सब साफ हो गया सर, कुछ पता ही नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।